नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बी राइडर ब्लॉग में। मैं हूं आपके साथ केशव शर्मा और इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूं लोड़ी माता मंदिर पर। दोस्तों, पूर्व की भांति लोड़ी माता मंदिर पर भीड़ आना शुरू हो गई है। इसी माह में दोस्तों लोड़ी माता पूजी जाती हैं और यह ही लोड़ी माता का मंदिर है। फिर से देखते हैं कितनी भीड़ लोड़ी माता के मंदिर पर आज आई हुई है। दोस्तों, यह जून का महीना चल रहा है और जून के महीने में काफ़ी सारी भीड़ लोड़ी माता मंदिर पर आप देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि लोड़ी माता के पूरे प्रांगण को हमारे व्यूअर्स को दिखाया जाए। जुड़े हुए हैं अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करवाने के लिए वो इस स्थल पर अक्सर आते रहते हैं। और दोस्तों, लोड़ी माता मंदिर में श्रद्धा रखने वाले प्रत्येक श्रद्धालु आपको यहाँ पर उपस्थित मिलेंगे। आप देख सकते हैं प्रांगण में काफी सारी भीड़ है लोड़ी माता में। साथियों, यह है लोड़ी माता मंदिर का मुख्य द्वार जहां लोग पूजन कर रहे हैं और इसी के पास से होते हुए लोड़ी माता का सारा परिक्रमा मार्ग जाता है। लोग यहां मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए माता की परिक्रमा देते हैं और इस स्थल पर पूजा अर्चना आदि करते हैं। दोस्तों, वैसे तो इस स्थल पर नारियल पूर्णा मना है, अलग व्यवस्था की गई है टेस्ट की तरफ से, फिर भी लोग नहीं मानते तो इस तरह से पूजा करते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी सारी भीड़ लोड़ी माता मंदिर पर आज आई हुई है। बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं अपनी अपनी मनोकामनाओं को लेकर, मन में एक अर्जी एक श्रद्धा के साथ इस स्थल पर मौजूद हुए हैं। और दोस्तों, हर रोज ऐसे ही लोड़ी माता मंदिर पर आते रहते हैं। किस तरह से अपनी परेशानियों का निराकरण यहाँ पर भक्तों की मनसा पूर्ण होती है, उनकी मनोकामनाएँ पूर्ण होती है। काफ़ी सारे लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं, माता के दरबार में उनकी अर्जी पूरी होती है। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर, और भी आपको जानकारियाँ देंगे इसी चैनल के माध्यम से, आपको सारी जानकारियाँ मिलेंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो साथियों, इस प्रांगण में लोड़ी माता के भक्त जो लोग आए हुए हैं, दूर दूर से यात्री आए हुए हैं, वो यात्री पूजन करने के बाद इस तरह से यहाँ पर भोजन पाते हैं और इसी प्रांगण में बैठ के वो आराम से भोजन करते हैं। दोस्तों, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि चारों तरफ का प्रांगण बताएं, कि ये काफ़ी सारे पंखे लगाए हुए हैं, देख सकते हैं भाई और मेरे लोड़ी माता का मंदिर बना हुआ है। काफ़ी सारे भक्त अपनी अपनी अर्जी को लेकर लोड़ी माता के मंदिर पर आए हुए हैं, व्यवस्थापक व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। और किस तरह से भक्त लोड़ी माता के मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, आप लोगों को दर्शन करवाएंगे लोड़ी माता, किस तरह से आशीर्वाद देती हैं, इधर बताओ किस तरह से आशीर्वाद देती हैं, किस तरह से अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करवाती हैं। आप दर्शन कर सकते हैं लोड़ी माता पर, किस तरह से व्यवस्थापक लगे हुए हैं, किस तरह से लोड़ी मैया का प्रांगण सजा हुआ है। यह दरबार आप देख सकते हैं, काफ़ी दूर दूर से लोग इस वक्त आए हुए हैं। इस महीने में लोड़ी माता की अत्यधिक पूजा होती है और विधि के साथ लोड़ी माता का पूजन किया जाता है। साथियों, हम बात करेंगे लोड़ी माता ट्रस्ट कमेटी के सदस्यों को। जैसा कि आपको बता दूं कि लोड़ी माता ट्रस्ट एक ट्रस्ट संचालन करती है, वही लोड़ी माता की ट्रस्ट की यात्रियों की व्यवस्थाएं देखती है, वही लोड़ी माता पर आए हुए दान की व्यवस्थाएं देखती है। सभी व्यवस्थाएं ट्रस्ट की ओर से संभाली जाती हैं। लोड़ी माता पर आए हुए यात्रियों की सुरक्षा के से लेकर उनके खाने पीने से सोने तक की व्यवस्था ट्रस्ट संभालती है। आप देख सकते हैं मेरे पास में ट्रस्ट के कुछ सदस्य बैठे हुए हैं और मैं उन सदस्यों से बात करूँगा कि किस तरह से व्यवस्थाओं का संचालन इन सदस्यों के द्वारा किया जा रहा है। ये हैं लोड़ी माता ट्रस्ट के सदस्य, किस तरह से लोड़ी माता की यात्रियों का संचालन उनके देख रहे हो आप कर रहे हैं। हम देखिए, लोड़ी माता की तरफ से, ट्रस्ट की तरफ से सब लोगों को ठंडा पानी
कूलर वगैरह बैठने की व्यवस्था सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं और देखरेख भी कर रहे हैं कि किसी को कोई परेशानी भी ना आए। रात्रि में जो लोग रुकते हैं उनको फ्री बिस्तर वगैरह सब मुहैया कराते हैं। खाना पीना से लेकर बिस्तर सोने तक की व्यवस्था लोढ़ी माता टेस्ट कमेटी उनको करवाती है और पूर्व काल से ही करवाती हुई आई है। यह लोढ़ी माता टेस्ट कमेटी के सदस्य जब भी किसी को जैसे कोई यात्री आता है दान देता है तो आप उनकी रसीद उनको बाकायदा देते हैं? बिल्कुल, बाकायदा उसको रसीद दे जाती है और हम अनाउंसमेंट भी बार बार यही कर रहे हैं कि जो भी दान दे बाकायदा रसीद कटवाए और रसीद अपने हाथ में ले। बाकी डायरेक्ट कोई डालना चाहे तो दान पेटी में भी डाल देता है और रसीद लेना चाहे तो रसीद भी देते हैं उसको बाकायदा। तो इस तरह से सारी व्यवस्थाओं का संचालन लोढ़ी माता टेस्ट कमेटी द्वारा किया जा रहा है। व्यवस्था से लेकर साफ सफाई तक का ध्यान लोढ़ी माता टेस्ट कमेटी रखती है। आप इस संदर्भ में क्या कहना चाहोगे? भैया, हमारी लोढ़ी माता कमेटी भोजन की व्यवस्था सुबह लंगर वगैरह भी लगाती है, लंगर चलते हैं, गरीबों को खाना भी खिलाती है और सारी यात्रियों की व्यवस्था देखने के लिए हम लोग स्वयं अभी बैठे हुए हैं, आप देख रहे हो, सब बढ़िया व्यवस्था करते हैं। अगर कोई यात्री पॉलीथिन वगैरह में सामान लेके आता है और वो बाहर फेंकता है जैसे पशु वगैरह जो खा के गाय वगैरह मर जाती हैं, उन यात्रियों को आप क्या संदेश देते हो? भाई प्रयास तो पूरा आप उनको अनाउंसमेंट लगाइए, उन्हें समझाइए, बताइए कि पॉलीथिन वगैरह आप लेकर आएँ तो उन्हें डस्टबिन में फेंकें या होर्डिंग भी लगा रखी है अपनी। हाँ, होर्डिंग भी उन्होंने लगा रखी है और वो निरंतर लोगों को बता रहे हैं कि लोढ़ी माता पर जो भी भक्त हैं जो पन्नी पॉलीथिन में लेकर जो भी सामान लेकर आए हैं उन्हें व्यर्थ ऐसे ही ना फेंकें जिससे आवारा पशु पक्षी पशुओं की मृत्यु हो जाए। उनसे डस्टबिन में आप डस्टबिन की व्यवस्था की है आपने कहीं? डस्टबिन की भी व्यवस्था यहाँ पर जगह जगह की गई है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि चारों तरफ कैमरा करके दिखाएं। इसी के बीच आप सभी का धन्यवाद।